नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 24 फरवरी शुक्रवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, ERCP का काम रुकवाने को MP की SC में याचिका। CM गहलोत बोले, ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी से वंचित करने का षड्यंत्र है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP में संबल और सहायक नदियों पर चल रहे काम को रुकवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका को लेकर अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार बन गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को लेकर CM अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सारण हुआ गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार होने वाला था 1 लाख का इनामी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपिंदर सारण गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान ATS SOC ने यह बड़ी कार्रवाई बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे की है। पिछले 6 दिनों से पुलिस बेंगलुरु में कैंप कर रही थी। भूपिंदर पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। पुलिस इसे लेकर उदयपुर जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CSO भर्ती परीक्षा रद्द करने करे सरकार, उपेन यादव का दावा। बोले, सबूत देने के बावजूद पेपर लीक माफिया के खिलाफ नहीं हो रही है कार्रवाई। राजस्थान में 19 फरवरी को आयोजित हुई CHO भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार की लापरवाही से लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार न तो आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है और न ही भर्ती परीक्षा को रद्द कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक साथ 4 एजेंसियों को देख डर गया गैंगस्टर लॉरेंस। कोर्ट में कहा, मुझे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से खतरा है। वकील ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बुधवार को 4 अलग अलग एजेंसियों के अधिकारियों से सामना हुआ। सूत्रों के मुताबिक पहले तो कई लोगों की हत्या करवा चुका खूंखार अपराधी लॉरेंस सभी एजेंसियों को एक साथ देख कर घबरा गया है। फिर थोड़ी देर बाद शांत बैठा रहा और उसके बाद एजेंसियों के सवालों के जवाब देने शुरू किए। लॉरेंस ने राजस्थान समेत कई राज्यों में हुई घटनाओं को लेकर कहा कि मैं रिमांड पर रहने के दौरान कैसे किसी पर हमला करवा सकता हूं। हालांकि जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो लॉरेंस ने कई राज्य उड़े हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 4 महीने 4 दौरे और मोदी के 4 संदेश, बिक्री BJP को एक मंच पर लाए। गुर्जर आदिवासी वोट बैंक सहित 100 सीटें शादी। राजस्थान का अंतिम बजट जारी होने के बाद अब प्रदेश इलेक्शन मोड में है। हालांकि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर BJP ने पहले ही इलेक्शन मोड एक्टिवेट कर दिए हैं। 1 महीने के भीतर PM मोदी राजस्थान में 2 अहम दौरे कर चुके हैं। वहीं पिछले 4.5 महीने में PM 4 बार राजस्थान आ चुके हैं। सबसे पहले वे 30 सितंबर को आबू रोड के मानपुर आए थे। ये वो दौरा था जब राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने बड़ी बगावत की थी। इसके बाद PM मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे थे। इसके कुछ समय बाद 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी में PM ने सभा की। राजस्थान में PM के दौरों की कई वजह भी हैं। सियासी जानकर इससे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव 2024 मानते हैं। हालांकि BJP के कई नेता इसे राजस्थान में अलग रणनीति और खींचतान के बीच नए पैंतर के रूप में देखते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। 4 बजट की 2722 घोषणाओं में से 95% से अधिक हुई स्वीकार। CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बजट की 2722 घोषणाओं में से 95% से अधिक घोषणाओं की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और 87% घोषणाओं की क्रियान्वयन पूर्ण एवं प्रगतिरत है। राज्य सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत बुधवार को सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक को लेकर ये संबोधित कर रहे थे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर से मुंबई का सफर होगा आसान। रोडवेज की 9 नई स्लीपर बसें लग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। राजस्थान रोडवेज ने मुंबई के लिए रोडवेज की नई स्लीपर लग्जरी बस का संचालन शुरू किया गया है। परिवहन मंत्री ने 9 स्लीपर लग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राइट टू वेल्थ हेल्थ बिल का लेकर विरोध हुआ तेज। निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना को लेकर MU नवीनीकरण को रोक दिया है। इसके चलते चिरंजीवी योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज की योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार से पूछा सवाल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 19 फरवरी को 3 शहरों में आयोजित हुए CSO भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आई है। दावा किया जा रहा है कि CSO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। हालांकि अभी तक इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल भी पूछा है कि किस किस सत्र साया में हो रहे हैं पेपर लीक। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप।
एमपी एमएलए की हर पोस्ट पर नजर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम समय का बसा है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दोनों चुनाव में राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अब तक बीजेपी राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए 25 लाख लोगों से जुड़ गई है। इस आंकड़े को चुनावों में 4 करोड़ तक ले जाने का टारगेट है। बीजेपी 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कांग्रेस पर डिजिटल हमला करेगी। हर विधानसभा के लिए अलग सोशल मीडिया पेज बनाया जा रहा है। इस काम को अंजाम देगी भाजपा की 3200 लोगों की टीम। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मार्च के पहले सप्ताह 40 डिग्री पहुंचेगा तापमान। राजस्थान में इस बार लोगों को होली से पहले तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी के देकर मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि मार्च के पहले सप्ताह में तापमान कुछ शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की आशंका है। इसके चलते लोगों को इस बार मार्च की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज, बोले कुर्सी की चिंता में रहने वाला व्यक्ति प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार शाम को चित्तौड़गढ़ आए थे। मंत्री गोयल यहाँ अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम के लिए आए थे। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने की बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो कुर्सी की चिंता करे वो प्रदेश का विकास कभी भी नहीं कर सकता। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @10 बड़ी खबरें।